ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम बिजवा में है, जैसा कि बता चुके हैं। हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक श्री वीरेन शुक्ला जी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पीछे वैरायटी लगी हुई है, ये 15023 है और ये 11 अक्टूबर 2022 की बुआई है। और इस वैरायटी में हम टिल्डिंग थोड़ा इसमें कम है, इसलिए इसकी दो आके बुआई हमने की है और सारा एमिडा और कार्बन डाइजिन के घोल में डुबा करके शोधित करने के बाद ही बुआई की गई है। नाली से नाली के बीच वो 4 फिट है। खाद की मात्रा इसमें यूरिया बहुत ना के बराबर देनी है। अगर यूरिया आप ज्यादा इसमें दे रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। अभी तक इसमें हमने 3 बार यूरिया का इस्तेमाल किया है। पहली बार तो 15-20 किलो ही था, लेकिन दोबारा जब इस्तेमाल किया तो 30 से 35 किलो यूरिया, और इसमें हमने 2 बार पोटास की डोज दी है, 2 बार डीएपी की दी है। और अभी जो लास्ट हमने मिट्टी इसमें जब मिट्टी चढ़ाते हुए फावड़े जैसा आप देख रहे हैं मिट्टी चढ़ी हुई है, तो उस वक्त हमने 25 किलो डीएपी और 30 से 35 किलो पोटास लगभग जी जी और 5 किलो सल्फर 5 किलो कैल्शियम मिला करके इसमें हमने डाला है, उसके बाद मिट्टी चढ़ाई है। इस वैरायटी में जैसे पिछली वर्षों की अपेक्षा इस बार कुछ बीमारी का प्रकोप हमको कम लगा, तो स्प्रे जो भी हुआ है वो पहला स्प्रे फरवरी मार्च में प्रोपेनोफास की हुई है, उसके बाद मई जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में ओराजेन की ड्रेंचिंग की गई, और उसके बाद अभी जुलाई के फर्स्ट वीक हमने जो है 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे इसमें 200 ml घोल में बराकर किया है। ये 3 स्प्रे हमने की है और इसमें 3 ही डोज खाद की है यूरिया की। एक डोज हमने इसमें डीएपी की अतिरिक्त डाली है, वो इसलिए डाली थोड़ा सा जड़ों में डेवलपमेंट जब हमने पोटास डाली मिट्टी चढ़ाते वक्त तो एक्स्ट्रा डाली है। बंधाई की बात जैसे इसमें अभी देख रहे हैं इसमें इसमें मिट्टी भी 2-3 बार चढ़ चुकी है, जितनी पत्ती थी वो इसके नीचे सब दब गई है, सड़ चुकी है। और इसमें ये 5वीं बंधाई है, मैनुअली 5वीं बंधाई है। वैसे तो 4 तो कंपलसरी है, 4 तो किसी भी मूड़ी में ऐसे नहीं जिसमें 4 ना हुई हूँ, लेकिन जो बीच में थोड़ा आंधी वांधी थोड़ा तूफान आया तो कहीं कहीं 5वीं बंधाई लगभग मान लो ये है। और इस गन्ने की जैसे आप देख रहे हैं अभी ये लंबाई 12 फीट के आसपास इसकी लंबाई है गन्ने गन्ने की जी। और अगोला सहित इसकी 16 से 17 फीट हाइट है। अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको नपाई करवाई है, नपाई और उसका वजन भी हमने तोला 2 गन्नों का, तो 2 गन्नों का वजन लगभग 4 किलो 850 ग्राम था, यानी 2.5 किलो औसत एक गन्ने का वजन स्वस्थ गन्ने का। और गन्ने इसमें लगभग सब स्वस्थ है, जितना इसमें रोग ग्रस्त या बीमार या छोटा नीचे गन्ना सड़ा हुआ था सूखा हुआ था वो सारा गन्ना निकलवा करके इसी में डलवा दिया अंदर, हो गई। कोई भी गन्ना इसमें ऐसा नहीं होगा जो ऊपर तक ना गया हो। इस तरह से ये अभी तक जो हमारा अनुभव है पिछले 4 वर्षों से वैरायटी हम बो रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 4 वर्षों में इस बार सबसे कम बीमारी इसमें है, सबसे अधिक इसकी लंबाई चौड़ाई और गन्ने की मोटाई जो है वो सबसे ज्यादा है इस बार, उत्पादन भी सर्वाधिक इस बार हमको उम्मीद है होना चाहिए। लेकिन एक अनुभव इसका हमारा अभी तक ये रहा, ये अक्टूबर में बोने लायक वैरायटी शायद सबके लिए ठीक नहीं, क्योंकि अगर 6 बधाई आप इसमें करा ले गए तो बधाई का खर्चा 15-16 हजार जो कि बहुत है और लगभग हो जाती है। तो अगर किसी फरवरी या मार्च में इसकी बुआई करनी हो, गेहूं काट करके आप बुआई करते हैं तो 15023 से बेहतर इस वक्त कोई वैरायटी नहीं, सबसे अच्छी वैरायटी लेट बुआई के लिए। और उत्पादन 500 के आसपास हमने पिछले बार इसका काटा था, तो कुछ कमियां रही थी, एक तो सिंगल आके बुआई थी, दूरी 1.5 फीट थी और बाढ़ आ गई तो जर्मिनेशन प्रभावित हुआ, और लगभग गन्नों की संख्या पिछली बार से 2 गुनी लंबाई भी सवाई, इसमें कोई कमी कोई दिक्कत नहीं, सारे फैक्टर पॉजिटिव है। तो हमको लगता है 2000 से तो हर हाल में इसका इतना भी कम वैरायटी देख के खेत लग रहा है 2000 तो क्रॉस करेगा, 2000 के आसपास हो सकता है अभी कटा। तो गन्ने का वजन जितना हम लोग लेते हैं 9 दिसंबर वो इसका हो चुका है। ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया चीनी मिल गुलरिया क्षेत्र का ग्राम बिजवा है और बिजवा ग्राम के हमारे चिरपरिचित कृषक प्रगतिशील कृषक श्री वीरेन शुक्ला जी हैं। इस खेत में 21-22 में क्यों शुक्ला जी पुरस्कार जो आप 2021 में 2021 में शुक्ला जी की माता जी श्रीमती राजेंद्री जी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता रही हैं। सीओ 238 में कितनी उपज प्राप्त हुई थी? 2473 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई थी। इस बार शुक्ला जी ने इस खेत में अपने 3 जो उन्नत प्रजातियां हमारी अभी चल रही उन 3 की रोपाई की है। प्रजात शुक्ला जी अवगत कराते रहे इधर सीओएल के 14201 है, आगे आपकी कोसा 13235 और लास्ट में सीओ 15023 तीनों प्रजातियां लगाई गई हैं।
शुक्ला जी, कब इसकी बुआई कब की गई थी? ये इसकी बुआई दो दिन में की गई है, ये 14201 10 अक्टूबर को है। 10 अक्टूबर 2022 को इसकी बुआई की गई थी। जी। और गन्ना तो आपका हम देख रहे हैं 14201, अभी तो 8 फीट की, क्योंकि नीचे खेत है, 8 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। हाँ, अंदर 8 से 10 फुट की है, गन्ना हो चुका है और पत्ती सहित आपका 13-14 फुट जा रहा है। हो गया। तो इस बार क्या इरादा है, पुराना रिकॉर्ड भंग करेंगे क्या? अब ये पहली बार, इससे पहले तो 20 भर को हमारे पास था जी, अब इस बार पहली बार ये लगा है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ अब शुरू हुई है, ये बहुत जल्द हो सकता है उसको पार देख रहे हैं आप, ये बनाई इस समय करवा रहे हैं, इसके पहले भी आप बनाई करा चुके हैं, ये दूसरी बनाई इधर हो रही है? ये दूसरी बनाई इधर है, कहीं कहीं 14201 में दूसरी बनाई हो रही है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ाई गई और पत्ती छुड़ाई गई है। ये पत्ती छुड़ाने क्या कॉन्सेप्ट, पत्ती छुड़ा के मेड़ पे क्यों डाल रहे हैं आप इसको? पत्ती के दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये पत्ती जो है जब इसके ऊपर डाल दी जाती है तो इसमें खरपतवार नियंत्रण होगा। अच्छा, खरपतवार जो होते हैं खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। जी, दूसरा ये है, ये जो पत्ती छुड़ाई इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी आपने डाली। हाँ, ये मिट्टी भी पड़ी है, तो मिट्टी में खाद और मिट्टी के बीच सड़ जाएगी। मिट्टी पड़ने से पानी के मौसम में पत्तियां जो हैं गन्ने की सड़ जाएंगी। हाँ, और नमी ज्यादा दिनों तक रहेगी, और आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी आपके बढ़ जाएंगे, तो आपकी खाद की मात्रा भी कम लगेगी। जी जी जी। अच्छा, इसमें उर्वरकों का प्रयोग कितना किया गया अभी तक आपके द्वारा? अभी 14201 में तो 4 बार इससे पहले हम यूरिया के साथ, सिंगल यूरिया कभी नहीं डाले हैं। अच्छा। 2 बार हमने 25 किलो डीएपी इस्तेमाल की यूरिया के साथ, प्रत्येक 25 किलो डीएपी और यूरिया कितनी? 25 किलो यूरिया। उसके बाद जब भी यूरिया डाली वो 40 किलो यूरिया हमने डाली है। अच्छा। और 2 बार साथ में पोटास 25 किलो। तो अभी तक कितनी बार, 3 बार यूरिया डाल? 4 बार डाली, 4 बार यूरिया डाल चुके हैं इसमें। अक्टूबर से अभी तक 4 बार यूरिया डाल चुके हैं, अभी ये चल रहा अगस्त और अक्टूबर उधर 3, तो 8, 3, 11 लगभग 10 महीने गुजर चुके, 11वां महीना चल रहा है। जी जी, अभी 11 महीने में आप 4 बार इस पे कर चुके, तो अभी आगे और भी अप्लाई करना है क्या? नहीं, अब ये लास्ट खाद हमने 3-4 दिन पहले भी दी है, इसमें डीएपी और सल्फर। तो ये कोण में ही पत्तियों के ऊपर डालेंगे क्या? जी, पत्तियों के ऊपर डाले हैं, तो इस पे अभी मिट्टी और पड़नी है लगता है, अभी और मिट्टी एक बार थोड़ा सा तो बेहतर सड़ जाएगा। तो गन्ना आपका दिख जो रहा बहुत बेहतरीन, चूंकि जैसे लग रहा सब बराबर गन्ने 4-4, 5-5, 8-8 मुरहे में है। हाँ, इसमें जो है अभी जो जितने सूखे नीचे गन्ने थे, तो जैसे लगता चुन चुन के किए गए हैं, वो सारे निकाल दिए गए। अच्छा, जो इसमें छोटे गन्ने थे उनको निकाल दिया गया है टोटल, तो निकाल क्यों देते हैं, इसका रीजन उसका रीजन वो गन्ने हो नहीं पाते। अच्छा, गन्ने मिलेबल के नहीं तैयार, और बाद में वो उसका भोजन भी लेंगे और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और प्रयोग में भी नहीं आते, तो उसको इसलिए आपने निकाल दिया। जी। तो इनके जो कंपटीशन का माहौल था वो आपने खत्म कर दिया, खत्म है। अब जो आपके उपयोग वाले गन्ने हैं केवल वही 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 भोजन खेत में बचे हैं। जी जी। उन्हीं को भोजन मिलेगा और वही ग्रो करेंगे। तो पूरा कैलकुलेटिव गणना के आधार पर शुक्ला जी ने इस पे कार्य किया है। इधर देखिए लगातार बेहतर बनाई भी चल रही है, थोड़ा सा तो बिल्कुल दोनों तरफ बांधने भी आपके जो लोग काम कर रहे हैं एक्सपर्ट हैं। क्या नाम भाई आपका? अजमुद्दीन जी हैं, जो गन्ने की बनाई कर रहे हैं। तो अभी नीचे एक एक बांधा गया था, 2 बांधने लगे भाई, 2 क्यों लगा रहे हैं उसमें, क्या कारण इसका? ये पहले 1 मोरा था, आप 2 क्यों एक साथ बांध रहे हो, किस लिए? अब गिरेगा नहीं, एक गिर जाता ये अब कैंची की पोजीशन बन जाती है इसकी। अच्छा, अब दोनों तरफ एक दूसरे को थामेंगे सहारा। और इसमें अब ये यहाँ पे 2 है, अभी देखो ये बांधेंगे 3 हो जाएंगे। अच्छा, ये बांधो जरा, आप ये तिगोड़िया बन जाएगी, जिसे ये सामने बना रहे हैं ये। अच्छा, तीन तरफ से लग जाएंगे, तो ये तिगोड़िया हो जाएगी। हाँ, ये तिगोड़िया हो रही, 3 तरफ सहारा दे रहे हैं। जी जी। तो पहले एक था अकेला खतरा, पहले था उसको मुरहम थे एक साथ जोड़े गए। जी। फिर 2-2 जोड़े गए, 2 के बाद तिगोड़िया, 3-3 जोड़े जा रहे हैं। थोड़ा ऊपर रखो रखो जूना। तो इसी का ये संगठन बन रहा, गन्नों का संगठन बनाया जा रहा है, जिससे ये जो विपरीत परिस्थितियां आए उनको झेल जाए, ये गिरने ना पाए। जब गिरेगा नहीं तो उत्पादन बढ़ेगा, जाहिर तौर पर जो आप उत्पादन कर रहे हैं नुकसान नहीं होगा और उत्पादन बढ़ेगा। तो गन्ने की बधाई बहुत जरूरी है, उसके पहले आप प्रोडक्शन तो अच्छा ले लेते हैं, आपकी बुआई हुई, आपने अच्छी खाद डाली, आपने खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से किया, आपने रोग कीटों की प्रतिरक्षा की, मिट्टी चढ़ाई गई, लेकिन अब गिरने से बचाना है अगर आपको अच्छी उपज लेना है। तो शुक्ला जी इधर दूसरी बनाई करा रहे हैं। हाँ, उपज क्या है, क्या टारगेट आपने रखा है इसका? 2000 से ऊपर का टारगेट है, 2000 से ऊपर का आपने टारगेट रखा है, क्योंकि ये वजन गन्ना है, वजन गन्ना और फेल की बात है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में लगातार घूमते रहते हैं। जी, हमारी परसों क्षेत्र में काफी अच्छे किसान है, अच्छा खेती करते हैं, लेकिन
अभी इतनी ग्रोथ का किसी का खेत दिखा नहीं जिसमें इतना बड़ा गन्ना तैयार हो गया हो जी। और क्योंकि इसके पहले जो हम लोग अभी देख के आए हैं आप 15023 13 235 उसमें चौथी पांचवी तक बनाई उसमें पांचवी बनाई 15023 15 बनाई उसकी ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होती लंबा गन्ना है जी 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 तो उसकी पांचवी बनाई चल रही है। तो ये देख सकते हैं किसान भाई हमारे ये गन्ने की खेती में सामूहिक क्रियाकलापों का बहुत महत्व होता है और ये इस समय बंधाई का सीजन चल रहा है क्योंकि आपको अपनी फसल को गिरने से बचाना है तो इन सब चीजों का ख्याल करके किसान भाई अपने खेतों में बंधाई समय अवश्य कर दें। और ये सिंगल बंधाई जो लोग कर चुके हैं कैंची बंधाई तीन तीन गन्ने की सबसे जो महत्वपूर्ण गन्ने का कार्य है जी शुरुआत का सारा काम सारे किसान एक जैसा करते हैं बिल्कुल शुरुआत एक जैसे करते हैं मिट्टी चढ़ाई और गन्ने की बंधाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे हिसाब से है। ये अगर आपका ठीक से हो गया तो गन्ना गिरेगा नहीं इतना भी कमजोर करना होगा तो गिरेगा नहीं उसका उत्पादन बढ़ जाएगा जाहिर तौर पे क्योंकि आपने फसल तो पैदा कर ली अच्छी से आपने खाद अच्छी डाली आपने खरपतवार नियंत्रण किया आपने गुड़ाई की निराई की लेकिन अगर फसल को बचाएंगे नहीं सीधा करो इसको तो आपका उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। गन्ना गिर गया तो आपका 30 से 40% गन्ने का नुकसान हो जाएगा जी 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 जाहिर तौर पर प्रोडक्शन गिर जाएगा और चूंकि सप्लाई करनी हमको लेट तक जाएगा मार्च अप्रैल मई तक गन्ना जाता है तो इसलिए उसके बचाव के लिए इसकी बंधाई बहुत जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो ये अच्छा देखने में भी बहुत प्यारा लगने लगा सुकला जी। हाँ थोड़ा सा ऊपर रखो जो ना इसका जो ना थोड़ा ऊपर करो। हाँ पत्तियाँ अच्छा यहाँ पे काटी गई हैं पत्ती अभी जितनी इसकी इसकी जितनी पीली पत्ती थी जी वो अगर इसको हम यहाँ से गिरा देंगे ऐसे हाँ। निकालेंगे तो इसमें एक दिक्कत ये फिर इसका स्प्राउटिंग करने लगेगा इसमें धूप की सीधी आ पड़ेगी अच्छा खराब भी लगेगी अंकुरण हो जाएगा इसलिए इसको लाइट नहीं देते ध्यान देने वाली बात है। पत्तियाँ केवल काटते हैं जिससे एरिएशन इसका क्लियर हो जाता है पत्तियों को मेड़ पे डाल देते हैं जिससे सड़कें पीली पत्ती वही काटेंगे हो सकता है केवल पत्ती क्योंकि हरी पत्ती तो भोजन बना पाएगा अगर हरी पत्ती काट देंगे तो भोजन नहीं बना पाएगा तो भोजन नहीं बनाएगा तो कमजोर हो जाएगा जी जी। तो पूरा कॉन्सेप्टुअल है गणना के आधार पे किया गया है। देखिए हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान हैं हम उम्मीद करते हैं अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे और पिछली बार जैसे पुरस्कार विजेता रहे हैं फिर वर्तमान समय भी शुक्ला जी अभी इसकी हाइट जो है तैयारी कर रहे हैं इस गन्ने की हाइट जो है अंदर वो गन्ना 9 फीट 10 फीट तक है 10 फीट तक गन्ना हाँ। है और औसत वजन इसका 1 किलो से ऊपर हो चुका है। अच्छा 1 किलो से हाँ, अगर आप एक जैसे इसमें 6 गन्ने हैं आप काटेंगे तो ये 6 किलो से कम नहीं है हाँ तो ये चीजें हैं और स्वस्थ गन्ना इसका जो है इसका स्वस्थ गन्ना अभी लगभग 2 किलो तक वेट इसका हो चुका है। हाँ जो मोटा है मोटा गन्ना है वो 2 किलो के आसपास पहुंच गया है अब इसमें जैसे ये सूखे गन्ने हैं ये निकलवाए लेकिन देखो फिर भी छूट गया है इस गन्ने का कोई महत्व नहीं रह जाता इसको निकालने में फल नहीं तैयार होगा जी। अब ये बिल्कुल स्वस्थ गन्ना है ये 2 किलो से कम नहीं होगा ये देखिए मोटा गन्ना है अब इसे हो गया बिल्कुल सप्लाई होगी गन्ना हो चुका है। अच्छा तो शुक्ला जी क्या टारगेट है आपका इस बीज में ही सप्लाई करेंगे या अधिकांश तो बीज में ही जाएगा किसान आपसे संपर्क भी कर रहे हैं संपर्क कर रहे हैं आते भी कुछ लोग देखने भी आते हैं क्योंकि अच्छा खेत है बीज के लिए भी जो किसान भाई जिनको अक्टूबर में बुवाई करनी है तो अच्छी प्रजाति है रोग रहित है वो भी शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि अच्छी बीज की जब बुवाई करेंगे क्षेत्र में तो क्षेत्र में अच्छा गन्ना होगा उससे भी किसान भाइयों को फायदा होगा। ठीक शुक्ला जी धन्यवाद आगे हम लोग विजिट करते हैं दूसरी प्रजाति आपकी। ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया का ग्राम बिजवा है और हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक श्री वीरन शुक्ला जी हैं। वीरन शुक्ला जी की हम लोग भी एक प्रजाति देख रहे हैं जो खेत में इनके लगी है सीओएल के 14201 ये उसी खेत में मध्य भाग में कोसा 13235 काफी लोकप्रिय प्रजाति जो किसान भाइयों के बीच में है वो है। शुक्ला जी ये तो उससे शानदार दिख रही है। हाँ ये भी इसकी बुआई सत्कार उससे ज्यादा किए क्या नहीं इसमें खाद की मात्रा उससे लगभग आधी रही है उससे आधी हाँ उससे आधी इसमें हमने जो है यूरिया बुआई उससे पहले बुआई उससे एक दिन बाद की गई बुआई उससे एक दिन बाद खाद की मात्रा उसकी आधी आधी और ग्रोथ तो उससे सवाई लग रही भाई जी। गन्ना भी उससे इसमें हमको लगता है 13235 है ना ये 13235 है। अच्छा और ये भी पेड़ रो से बुआई है पेड़ रो से बुआई पेड़ रो का मतलब क्या होता है पेड़ रो का मतलब इसमें दो फाले एक साइड होते हैं दो एक साइड होते हैं बीच में 3 फीट की गैप होती है। अच्छा और इसके बीच में 1.5 फीट की दूरी होती है यहाँ पे 3 फीट की दूरी है यहाँ 1.5 फीट की दो पंक्तियाँ 1.5 फीट की दूरी पे होती है जी जो आपकी पेड़ है जी जी इनको पेड़ बोलते हैं इनको पेड़ बोलते पंक्ति की दूरी 3 फीट है उसके बाद फिर पेड़ है 1.5 फीट की 1.5 फीट की 1.5x3 में है 1.5x3 में। अच्छा बुआई इसकी आपने की है 11 अक्टूबर 2010 अक्टूबर 11 अक्टूबर को की गई
और ये भी एक बुवाई जो है ये एक आपकी बुवाई है सिंगल बड की, सिंगल बड की बुवाई है और एक इसकी एक फिट की दूरी पे बुवाई है, बड से बड, बड से बड की दूरी है, एक फिट की है। अच्छा कितनी बड लग गई थी एक एकड़ में? ये अंदाज तो है लेकिन हमको लगता है एक एकड़ में करीब 10 क्विंटल गन्ना हमको पड़ा है एक एकड़ में। जी 3x1.5 गुड़े एक लगभग 10 क्विंटल। 10 क्विंटल तो जो बीज उपलब्ध हमारी थी वो 10 क्विंटल के आसपास थी। अच्छा जी, उतने बीज एक एकड़ पूरा है। तो वैरायटी में आपको क्या लगता है 14201 13235 और 15023 तीनों आपके पास हैं? अभी तो ये 13235 जो है हमने दोनों तरीके से बोया है, ये पेड़ वो भी है आगे इधर टेंस 4 फीट की दूरी पे भी बोया। अच्छा। दोनों को देख करके इससे तो ज्यादा देखने में शानदार लगता है लेकिन उससे इसमें गन्नों की संख्या ज्यादा है, गन्नों की संख्या इसमें ज्यादा है। लंबाई मोटाई का बहुत डिफरेंस है नहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि 14201 इसकी 13235 दोनों का उत्पादन लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये वैरायटी थोड़ा सा कटने में लेट हुई, जैसे उसको अगर हम लेट कटाई करते हैं फरवरी मार्च अप्रैल में भी जी, तो उसका वेट लॉस नहीं होगा। इसमें हानि कम है? हाँ, इसमें हानि ज्यादा है। समस्या है लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी कुछ नहीं है। तो इसकी कटाई अर्ली हो जाए, अर्ली हो जाए, अर्ली कटाई इसकी हो जाए तो, क्योंकि अच्छा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की जब हम बात करें जी जी, फसल के उत्पादन में जो लागत आती है जी, तो उसमें 13235 और 14201 की तुलना करेंगे तो कौन सी वैरायटी इस मामले दोनों में कंपेयर करेंगे तो 13235 में कम लागत आएगी, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है। एक कम तो है। आपने उर्वरक बताया कि हमने आधी की है जी। अच्छा इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का जो इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल लाके बराबर ही हमने, मतलब इसमें कोई भी बीमारी हमको दिखी नहीं। इन तीनों वैरायटीज में सबसे कम बीमारी 13235 में। तो इसमें जो किसान भाई इसको देख सकते हैं, किसान भाइयों का बाकी भी अनुभव होगा। शुक्ला जी हमारे अच्छे किसान ने बता रहे हैं कि इसमें जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है काफी कम है, ये खेत भी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। इसमें कहीं भी हमको इतना पूरा भ्रमण करके आए हैं कोई रोग कीट पर लक्षित नहीं हुआ, कोई दिखाई नहीं पड़ा अभी तक। और आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा ऐसी इसमें कोई भी इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का भी ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया, जो रूटीन में डाली जाती उतनी इस्तेमाल की गई है जी। तो उत्पादन के दृष्टिगत तो काफी अच्छी प्रजाति लग रही है, देखने भी काफी सुंदर है, पौधा इसका काफी सुंदर है, उसको बांधो, गन्ने भी काफी स्वस्थ हैं। तो इसमें बनाई अब कौन सी चल रही है? इसमें दो बनाई हो चुकी है, इसमें दो बनाई हो चुकी है, इसकी तीसरी बनाई 4-5 दिनों में हम करवाएंगे। अच्छा, अंदर जैसे आप ये राकेश ये इधर वाली दोनों नाली जो है इनको आपस में जोड़ो, जैसे ये पीछे आप देख रहे हैं ये, हाँ ये कैंची जो है ये और इसके पीछे ये वाली, यहाँ दो बनाई हो चुकी है, 14200 दूसरी बनाई चल रही है, इसकी ये वाली नहीं इसकी पीछे वाली, इसकी पीछे वाली जो है ये दोनों ज्वाइंट करेंगे और इससे कम से कम 2 फीट की ऊंचाई पे एक जूना फिर से लगेगा। इन दोनों को जोड़ो आपस में जरा। अच्छा वो कॉन्सेप्ट आपका हाँ। यहाँ भी चल रहा है कि पत्तियां छिड़ा के मेड़ पे डाली गई, मेड़ पे डाले ये किसान भाई इसको देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है राकेश, ये दोनों आपस में ज्वाइंट करो, ये वाली अच्छा काम करेगा कि जो हमारे फसल अवशेष हैं वो आपके अभी से खेत में मिलते हुए चलेंगे जब, तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति लगातार मेंटेन रहेगी, सही रहेगी। हाँ सीधा और ऊपर जूना बढ़ाओ और ऊपर बढ़ाओ। अभी जैसे ये देख रहे हैं आप, अभी थोड़ा सा छोटा है गन्ना, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले इसकी बनाई हुई है। ये जूना इसको ऊपर और ले जाएंगे, इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे जितनी इनकी हाइट हाथों तक ऊपर पहुंच रही, और ऊपर ले जाएंगे इसको और बढ़ाओ ऊपर, लगभग 7 फीट पे बांधेंगे। हाँ लगभग ये 7 से 8 फीट की दूरी पे, 7 से 8 फीट पहले हमें लगता है आपकी अब ये जब बनेगा ये 4 मुड़े इसमें हो जाएंगे, बीच वाली थोड़ा कम पे हो गई, मतलब 4 फीट पे रहे। हाँ ये 4 फीट पे रह गई, तो अभी छोटा भी है गन्ना, ये छोटा है चूंकि कॉर्नर में है, अंदर तो हाइट इसकी हो गई, पर जब ये बनेंगे ऐसे ये फिर इसको ताकत लगाओगे इतनी आसानी, कम ताकत में झुकेगी नहीं, बेहतरीन। तो ये अभी इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि आठ। अच्छा इसमें गन्ने के वेट लिए हैं क्या? गन्ना तो इसमें हम लोग, हाँ इसका भी इसके गन्ने का वजन जो है वो औसतन वेट इसका 2 किलो के आसपास हो गया है। ये तो अभी हमें लगता है 2.5 किलो से कम नहीं होगा गन्ना। जी जी ये गन्ना 2 किलो से ऊपर का वेट इसका है, देखिए कितना प्यारा गन्ना 13235। अरे आंखों का उभार इसमें भी अभी बेहतरीन हो गया है, ये पूरा मोटा गन्ना है और ये सारा ये, पूरा ये एक ही आंख से बने लगभग, जो भी आपका हाँ, एक पुंज दिख रहा है ये पूरा एक ही एक एक गांठ से, हाँ एक ही गांठ किया है, एक एक गांठ से तो अलग अलग ही दिख रहा पूरा है। इसको नोच दो, नोच दो। और इसमें अभी आगे आपको दिखाते हैं जो 4 फीट की दूरी पर हुआ है। चलिए उस पर ये 1.5-3 पेड़ रो से है, 1.5-3 आप पूरा इसमें हवा जाने पूरा गुंजाइश है, कोई दिक्कत नहीं, सफाई इसकी करवा दी है। अभी जैसे ये यहाँ से ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है इसकी,
ये ट्रेंड से बोया हुआ है, चार फीट की दूरी पे 13,235 जी, 4x2 पे है, 4x2 ये ट्रेंड से है 13,235। हाँ अच्छा, ये जी और ये इसका गन्ना हमने तुलवाया कटवा करके, इसका गन्ने का औसत वजन 2 किलो के आसपास है, 2 गन्ने तुले तो ये 2 गन्ने मिलाकर के 4 किलो से ऊपर ही हो जाता है करीब। स्वस्थ गन्ना जो है 2.5 किलो गन्ना, सामने वाला मोटा वाला छीलो जरा इसको, ये वाला ये गन्ना आप इसके इधर वाला मोटा वाला, हाँ इसको छीलो जरा, ये गन्ना अगर आप तुलेंगे तो कम से कम इसका 2.5 किलो वेट होगा। नीचे साफ करो, नीचे से ये दोनों साफ करो, ये देखो इन गन्नों की मोटाई देखिए आप, और ये लंबाई भी इनकी करीब करीब 12 फीट के आसपास, 11 से 12 फीट लंबाई भी हो चुकी है, और ये सारे गन्ने देखो एक जैसी मोटाई है लगभग, ये 5 गन्ने 6 गन्ने इनको अगर आप तुलते हैं तो ये 10-12 किलो के आसपास वेट इसका बैठेगा, और ये अभी इसकी मोटाई और बढ़ेगी ही, क्योंकि इसमें जो लास्ट डोज हमने दी है अभी, ये इसकी DAP और पोटाश और सल्फर 3 किलो, तो ये अभी मोटाई इसमें बढ़ने और लंबाई बढ़ने का आप ये पूरा अच्छा सा वक्त है, जब गिरने से अगर आप बचाए रखेंगे इसको तो प्रोडक्शन जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अभी जो आप 1.5-3 पे देकर के आए हैं उससे इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है और गन्ने की मोटाई भी कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जैसे जब इस लाइन में गन्नों की संख्या काउंट करते हैं तो इससे गन्ने की संख्या उसमें 25% ज्यादा है, तो उसमें मिलेबल ज्यादा बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इस वाले गन्ने से उस वाले गन्ने की उपज हो सकता है ज्यादा निकल जाए, अभी ऐसा हमारा अनुमान है, इस बार ट्रायल भी है, गन्नों की संख्या ज्यादा रहेगी तो वजन तो ज्यादा वजन ज्यादा होगा। अच्छा दूसरी बात एक और है, जैसे इसमें अब हमारे पास ऑप्शन ऐसा कोई नहीं कि इस नाली को हम बांध नहीं सकते, इतनी दूरी में नहीं बांध, उसमें एक ऑप्शन है जो 1.5-3 की 2 नाली है वो भी हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ जाएंगे आवश्यकता पड़ेगी तो गिरने की संभावना भी उसमें एक बार समाप्त की जा सकती है, भी ठीक है मनान इसका भी ठीक हो गया है, लेकिन ये है कि वैरायटी अच्छी है, तो उसके लिए अभी कोई स्काउटिंग नहीं है, और उसके लिए सही समय पर अगर इसका डिस्पोजल हो जाता तो भी समस्या नहीं आएगी। ये पकड़ो थोड़ा सा, देखिए इसकी हाइट भी दिखाओ गन्ने की, आगे वाली उसमें देखो जो पत्ती नीचे सूखी है आगे वाली मुड़ी में, वो थोड़ा सा आगे वाली और आगे और आगे और आगे ऊपर और उसके ऊपर ऊपर वाली, हाँ ये जो है अभी देखो ये जैसे है ये 5 फीट की ऊंचाई पे बंधा हुआ है, इसकी दूसरी बंधाई 5 फीट की ऊंचाई पे है, और जब ये ऊपर से बांधेंगे इसको ऊपर लपेटो ऊपर वाला जूना बनाया जूना, अब इसकी बंधाई अगली हम 7.5-8 फीट की ऊंचाई कराएंगे, ये 2 से 3 दिन के बाद इसकी बंधाई अभी होगी, थोड़ा सा ये ग्रोथ और ले ले नहीं तो इसके अगौले बंध जाएंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं जब ये बंध जाएंगे तो फिर ये दो आपस फिर इसकी कराएंगे, गिरने की संभावना इसमें भी लगभग ना के बराबर रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये गन्ना अपना वजन ना रोक पाए, जितना इसकी मोटाई और लंबाई हो रही बन रही है, ये हो सकता है कि इतना वजन रोकने में सक्षम ना हो, और कहीं पर भी इसमें गन्नों की टिलिंग में कोई अंतर टिलका और मदर सूट जो भी वो लगभग बराबर मोटाई का है, ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम बिजवा में है, जैसा कि बता चुके हैं हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक श्री वीरन शुक्ला जी हैं, और तो आज वीरन शुक्ला जी के फार्म पे जो नवीन प्रजातियां स्थापित हैं सभी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, शुक्ला जी से ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं कि इतनी अच्छी खेती कैसे कर ले रहे हैं, कि इतना अच्छा उत्पादन कैसे कर रहे हैं। तो शुक्ला जी ये आपकी जो तीसरी प्रजाति है इस समय जो किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है CO 1523, तो उधर से हम जो जो बढ़ते जा रहे हैं गन्ने ग्रोथ भी वैसे बढ़ते हुए मिल रही जा रही, तो इसमें कुछ अलग से किया गया जो उन प्रजातियों में किया गया वही इसमें बुआई, इसकी सबसे पहले बता दीजिए कब, इसकी बुआई 11 अक्टूबर 2022 को की है, ये पूरा प्लांट जो है दोनों, हाँ उसके साथ 1335 एक ही दिन की बुआई, 11 अक्टूबर की भी बुआई जी, 11 अक्टूबर बुआई, लेकिन इसमें एक अंतर है बुआई में जी, इसमें हमने गन्ने की बुआई जो की है वो 2 आंख की है। अच्छा, इसमें 2 आंख का टुकड़ा, हाँ, इसमें 2 आंख का टुकड़ा है और सीढ़ी नुमा बुआई है इसकी। अच्छा, सीढ़ी नुमा, हाँ, और लगभग ये 9 से 12 इंच की दूरी पे आंख से, मतलब आंख से आंख की दूरी जो है, आंख की दूरी 9 से 12 9 से 12 इंच रहती है, मतलब डिस्टेंस वही 4 फीट डिस्टेंस वही 4 फीट रहती है ट्रेंच में जी जी।
लेकिन इसमें जो थोड़ा सा पेस्टिसाइड और उसका इंसेक्टिसाइड और खाद का थोड़ा सा खर्चा कम है। अच्छा, वही उसमें गन्ने की बंधाई और मिट्टी चढ़ाई का खर्चा ज्यादा है जी। तो जैसे आप कल्टीवेशन करते हैं तो उधर आप जो हम कम खर्चा होता है उससे जस्ट डबल इसमें इसकी बंधाई और मिट्टी का खर्चा मिट्टी पे खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी उत्पाद बढ़ रही है और ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा देख रहे हैं अभी ये गन्ना लगभग हमने इसमें तुलवाया भी था, दो गन्ने इसके कटवा करके जी। इसकी गन्ने की और लगभग लंबाई 12 फीट के आसपास है अभी, 12 फीट हाँ, तीन मतलब गन्ने की। अच्छा, और वजन भी दो गन्नों का वजन इसमें 2 किलो 4 किलो 850 ग्राम था। अच्छा, लगभग 2.5 किलो का एक गन्ना था जो स्वस्थ गन्ना था, यानी इसका मतलब औसत इसका वजन से देख रहे हैं लगभग सारे गन्ने एक जैसे हैं, 19-20 का डिफरेंस है। सारे गन्ने जैसे लग रहा है, बिल्कुल सप्लाई योग्य क्या सामान क्या, तो इतना बड़ा सप्लाई योग्य होता तब भी नहीं दिखता जी जी। जैसे अभी इसकी अगर इसमें कटाई भी करिए, हमको लगता है कम से कम 600 से 700 क्विंटल इसका एवरेज एकड़ का। इसमें बंधाई में एक दिक्कत ये है कि इसमें हम 5 बंधाई लगभग करवा चुके हैं, 5 बंधाई हो चुकी है ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 बंडल जी। जैसे वैसे 4 तो कंपलसरी है, लेकिन कहीं कहीं 5 भी बनाई। चौगड़िया बन चुकी है, इसमें चौगड़िया बन चुकी है, चौगड़िया इसमें देखिए बन चुकी है। इसमें जो एक पहले 1 2 3 4 फिर 2-2 जोड़े गए, फिर 4 जोड़े गए, अभी यहां बना दिया गया। बताओ चारों चौगड़िया दिखाओ भाई, कौन कौन सी बांधे हो ये इलाके। हाँ, 2 इधर से ये मुड़ी है देखो, और 2 उस तरफ से, 2 उस तरफ से, ये चारों मिलाकर के ऊपर जो है चौगड़िया भी हमें लगता है 2 बार बांध चुके, 2 बार बंधी है ये चौगड़िया भी, 2 बार बन चुकी है जी। 1 1 2 3 4 जी जी, 4 बंधाई यहाँ हो चुकी है आपकी अभी। इसमें अगर इसकी बंधाई हम ये कल ही बंधाई इसकी ऊपर वाली की गई है। अच्छा, तो बंधाई का खर्चा कितना आ जाता है, एक बंधाई में कितना खर्चा हो जाता है एकड़ में? इसमें बंधाई में एकड़ का खर्चा जो है लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए। 2.5 हजार तो 4 बंधाई किए, तो अगर उसमें 2 किए इसमें आप 4 किए, तो हाँ उससे इसकी 2 गुनी बंधाई है। इसमें 5 से 6 बंधाई इसमें हो जाएंगे, 5 से 6 हजार एकड़ का खर्चा ये बढ़ जा रहा है। हाँ, उससे ज्यादा है, उससे अतिरिक्त हाँ, वैसे तो 12-13 हजार रुपए प्रति एकड़ बंधाई बनाई, वो तो उससे अतिरिक्त उससे 2 गुना खर्चा ये खर्चा बढ़ जा रहा है। प्रोडक्शन में क्या उम्मीद लग रही है इसमें? प्रोडक्शन में जैसा अभी तो लास्ट ईयर जो हमने बुआई की थी तो बहुत ज्यादा इसका उत्पादन नहीं मिला था। अच्छा, उसका कारण ये था कि सिंगल आंख की बुआई की थी, इसमें टिलिंग थोड़ा सा कम थी, तो इस बार हमने 2 आंख की बुआई की जी। और जैसे गन्ने के जो आंख से आंख की दूरी भी हमने थोड़ा सा उससे घटाई, पहले 1.5 से 2 फीट की दूरी पे था जी। तो पिछली बार हमको 400 से 500 के बीच में प्रति एकड़ इसमें उत्पादन मिला था, लेकिन उस वक्त बाढ़ के कारण ये जर्मिनेशन नहीं हुआ था जी। लेकिन इस बार जो है इसकी जर्मिनेशन और इसकी टिलरिंग जो भी है वो लगभग परफेक्ट है, इससे अच्छा हमको लगता शायद ना हो सके, गर्थ दोनों बेहतरीन है। हाँ, तो इस बार उम्मीद है हमको कि 2000 से ऊपर ही इसका, वो जो गन्ने थे छोटे वाले जी वो सारे इसमें भी, हाँ इसमें भी जब नीचे से पत्ती इसकी सफाई की गई है तो जितना इसमें छोटा गन्ना था सब निकाल वो सारा निकाल दिया गया, सारा निकाल कोई छोटा गन्ना आप इसके अंदर जो गन्ना है वो ऊपर तक है। अच्छा, इसमें पत्तियां नहीं दिख रही जो आप छोड़ा के उधर डाल रखे हैं? इसमें जो पत्तियां थी वो जब मिट्टी चढ़ी इसके अंदर सब दब गई। ये लगभग 1 फीट मिट्टी चढ़ी, थोड़ा उन प्रजातियों थोड़ा अर्ली चल रहा है, अर्ली चल रहा है थोड़ा पहले काम हो जा रहा है। तो ये आपकी जो सप्लाई के लिए बीज के लिए भी उससे पहले थोड़ा तैयार हो जाएगी? सप्लाई के लिए तो लगभग अभी ये तैयार है जी। तो अगर लेट अगर इसकी कटाई होगी तो उससे कुछ इम्पैक्ट? अगर इसमें लेट होता है तो थोड़ा हमको ऐसा लगता है इसे इसमें सियार वगैरह जानवरों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है, पक्षी भी आएगा वो चोच मार नरम है ना थोड़ा सा। तो प्रोडक्शन के बाद जी जो आपकी उत्पादन तो आप ले लिए, अच्छा जी आपने फसल सुरक्षा भी कर ली, गिरने से बचा लिया, 4-4 5-5 बंधाई कर ली जी, तो इसके बाद भी संभावना रहती है इसमें नुकसान की ज्यादा? हाँ, इसमें नुकसान की संभावना 13-200, 14-201 जी जी जी। ये नरम बहुत है गन्ना, नरम बहुत है और अभी भी संभावना है कि ये गिरने का, तो इसमें हो सकता है कि इसकी बंधाई एक हम और अभी कराएंगे, अभी एक बंधाई और 10 से 15 दिन के बाद ये ऊपर से ये जो अगली बंधाई हुई स्टूल या सीढ़ी लगा के होगी। अच्छा, तो कम से कम 10 से 11 फीट की हाइट पे बंधवाई कराएंगे इसकी। तो तीनों प्रजातियां हम आपकी देख के आ रहे हैं, 14-201, 13-233 और 15-023 प्रजातियां तीनों अच्छी हैं, आप तीनों का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, अच्छी ग्रोथ सभी में है, अच्छा मैनेजमेंट किया है और प्रोडक्शन भी हमें लगता है 19-20, 200 क्विंटल, 300 क्विंटल के अंतर पे तीनों में होगा हमें लगता है जी जी। लेकिन जो अंत होगा, जो एक किसान अपना आर्थिक लाभ देखता है जी कि आपने क्या लगाया, आपका कितना लेबर खर्चा हुआ, कितना आपने उर्वरक पे खर्चा किया, कितना आपने इंसेक्टिसाइड पे खर्चा, कितना आपने फसल के बचाव के लिए खर्चा किया, मिट्टी चढ़ाने पे, उसकी बंधाई कराने में या अन्य चीजें, सारा अर्थशास्त्र निकाल के अगर बात करेंगे तो इन तीनों प्रजातियों में जो आपको बेहतर लग रहा है कि ये प्रजाति को कारकों को मिला के ये प्रजाति अच्छी रहेगी, तुलना करने कहा जाएगा, तो उसमें प्रजाति आपको लग रहा है? तीनों वैरायटीज में बुवाई के
समय से तुलना करना ठीक रहेगा जी। आपको अक्टूबर की बुआई करनी है जी, सितंबर अक्टूबर अगर अर्ली बुआई कर रहे हैं सितंबर तो सबसे 14201 हमें सबसे बेहतर प्रजाति लग रही है, तो सी ऑयल के 14201 सबसे परफेक्ट प्रजाति। हाँ, ऐसा भी लग रहा है। अच्छा। उत्पादन काटने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर वो हाइट 12-13 फीट जाती है तो उसमें गन्ना गिरने की संभावना थोड़ा सा कम रहेगी, नीचे से मोटा है जो नुकसान होगा कम होगा, कम होगा, और थोड़ा सा गन्ना भी उसका कड़ा है तो गिरने की संभावना कम है उसमें। इन सब की अपेक्षा ये मिट्टी चढ़ाई और बंधाई का खर्चा लगभग आधा है, आधा है। अच्छा। और दूसरे जैसे अगर आपको मार्च और फरवरी की सोइंग करनी है स्प्रिंग की, अच्छा, तो फिर 15-23 सबसे बेटर वैरायटी है स्प्रिंग बुवाई के लिए। इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं, सबसे अच्छी वैरायटी है। लेट बुवाई करते हैं जी तो फिर 15-23 पे उनको आना चाहिए। अच्छा, रोग कीट इसमें क्या उस प्रजाति की अपेक्षा 14201 से इसमें कम है, सीवेल के 14201 से इसमें कम है। अच्छा, शुरुआती दिनों में जो 15-23 आई थी जी, तो इसमें बोरर की समस्या काफी देखी जा रही है। उस वक्त इसमें स्टेम बोरर और थोड़ा सा अगोले में छेद जैसा हो जाता था, अगोला बेधक भी था। हाँ, सारे बोरर इसमें दिख रहे थे, चोटी बेधक भी था। इस बार आपका क्या रहा? इस बार हमने जितनी स्प्रे उन सारे गन्नों में की है उतनी ही, यानी पहली बराबर फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में, वही 28 फरवरी या 2-3 मार्च के आसपास हमने इसमें प्रोफेक्स की थी 400 ml की प्रति एकड़। उसके बाद मई के लास्ट में कोराजन की, और अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। बाकी कोई भी इंसेक्टिसाइड दोनों में बराबर है, बराबर बस है। ये इसमें खाद की मात्रा बहुत नॉमिनल है। अच्छा, कोई ऐसा बोरर आपको नहीं अभी नहीं तक दिखा अभी जो इसमें अलग से कुछ प्रभावित कर रहा कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी बोरर नहीं, कोई समस्या नहीं, एक जैसा गन्ना है। और टिलरिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने गन्ने हैं वो स्वस्थ है, ऊपर तक है, ऊपर ग्रोथ अच्छी है। हाँ, तो ये किसान भाई देख सकते हैं अपने समय के अनुसार जिस समय पे बुवाई कर रहे हैं, जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस प्रकार की उनके खेत की मिट्टी है, फसल का चुनाव कर सकते हैं। तीनों ही प्रजातियां बेहतर हैं, अच्छी प्रजातियां हैं और तीनों अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि एक ही खेत है, एक दिन की बुआई है, एक जैसी सारी कंडीशन इनको दी गई है। तो एक रिसर्च भी शुक्ला जी का हो रहा है, क्योंकि एक ही बिल्कुल खेत में बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां दी गई हैं, और ग्रोथ आप लोगों को हम तीनों प्रजातियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत जब इसका होगा, फसल काटी जाएगी इनकी, तब भी हम लोग इसका आकलन करेंगे क्या प्रोडक्शन आया, और शुक्ला जी के साथ में बैठ के इसका हिसाब किताब भी एक बार निकालने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से कौन सी प्रजाति लागत और मुनाफे और उत्पादन तीनों का कंपैरिजन, चूंकि तीनों की डायरी हमने मेंटेन की, बिल्कुल तीनों का खर्चा, तीनों में पेस्टिसाइड, तीनों में खाद, तीनों की बुआई, तीनों की लेबर कास्ट, तीनों की पत्ती कटाई बंधाई मिट्टी चढ़ाई, सबकी कॉस्ट अलग अलग है। तो तीनों का कंपैरिजन और फिर इसके वैरायटी के साथ साथ हम जो बुआई की दोनों विधियां हैं, पेड़ो और ट्रेंच, इन दोनों में भी कंपैरिजन हम करेंगे कि दोनों में कौन बेहतर है। बिल्कुल शुक्ला जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा, आपके फार्म पे आके लगा, आपने बहुत अच्छे से प्रबंधित किया इन प्रजातियों को। हमें आशा है हमारे किसान भाई भी इसको देखेंगे और आपके अनुभव का लाभ अवश्य उठाएंगे। और धन्यवाद।